मुझे इस बात का आनंद है, धर्म की नगरी को जीवंत करने का काम हमारे परम पूज्य उमाकांत तिवारी महाराज साहब कर रहे हैं और उनकी अपनी पूरी संगत इस काम में लगी हुई है। खास करके मांस मदिरा से दूर रह करके सादगी से जीवन जीना और सत्संग करके अपनी मनोदशा इस देश के साथ चलते हुए अपनी पारिवारिक आमने सामने की लड़ाई में लगभग होते हैं यहाँ पर, तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे ये लगता है कि रीसेंट तो देखिए तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है कि जीत उनकी होने वाली है। पूरी सब्जी और लड्डू यहां पर बन रहे हैं और देखिए दावा तो यह भी किया गया बीजेपी की तरफ से कि भाई जितने सीटें जीतेंगे उतने लड्डू बांटेंगे। तो देखिए रुझान आना भी शुरू नहीं हुए, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि किस इसकी केंद्र बने रहे। मुझे इस बात का आनंद है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। क्या लग रहा है कल जो तो ये देखिए पूड़ियां तली जा रही है, सब्जी की भी थोड़ी देर पहले हम तस्वीर दिखा रहे थे किस तरीके से सब्जी भी बनाई जा रही थी, लड्डू भी बन रहे थे। और फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात है, मोर्चा संभाल रखा है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो फिलहाल देखा जाए तो थ्री लेयर सिक्योरिटी में ईवीएम कैद है और ज्योति 8 बजे ये थ्री लेयर सिक्योरिटी के बीच काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उससे पहले सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो सभी सुरक्षा में लगे जवानों को दिशा निर्देश जारी करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों किस तरीके से व्यवस्था को पूरी तरीके से संभालना है। तो बीच बीच में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं तमाम उन बड़े नेताओं की। अब से कुछ ही देर पहले मोहन यादव भी मीडिया के सामने कह रहे थे कि बस अब से कुछ ही देर में जब रुझान आने शुरू होंगे तब तस्वीर और क्लियर हो जाएगी और एग्जिट पोल के जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं उसी को लेकर एक तरीके से बीजेपी बिल्कुल जो चेहरे उनके खिले हुए थे बीजेपी नेताओं के। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं भी तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी कांग्रेस अपनी कुछ सीटों को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आई और कांग्रेस के जीतू पटवारी ने जिस तरीके से, हालांकि शुरुआत में आपको याद है तो जब जीतू पटवारी ने ये कहा था जब अनुराग हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे कि हम आराम से 15 सीट तक जाएंगे, तब उनसे ये सवाल पूछा भी गया था कि 15 थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है और हमने इतनी मेहनत करी है उसका जो जनता है वो हमें उसका जो रिजल्ट है नतीजा वो देगी। लेकिन ऋतु आपको लगता है कि जो जन कल्याणकारी नीति मध्य प्रदेश में रही है वो एक अहम योगदान निभाती है, जिस तरीके से जो भरोसा है जनता का वो कायम रहा है बीजेपी में शुरू से लेकर अब तक? और बिल्कुल ज्योति, मध्य प्रदेश में हमने देखा भी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की लहर रही थी वो कहीं ना कहीं जो योजनाएं चलाई गई थी महिला के लिए उसका असर भी था और कहा भी जा रहा था कि भाई जो महिलाओं के लिए योजना लाई गई थी उसका ये असर भी देखने को मिला था। तो अब ये तस्वीरें देखिए, हवन यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक एक दिन पहले कुछ तस्वीरें भी आ रही थी जहां पर छिंदवाड़ा की बात की जाए, प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की बात की जाए तो अभिषेक उनका किया जा रहा था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों के लिए जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है जिनकी किस्मत का जो फैसला होगा उस देखिए, तो यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर किया जा रहा है कि उनके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो जीते। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप जरा देखिए जहाँ पर जश्न की तैयारी की तस्वीरें थोड़ी देर पहले आ रही थी और अब यहाँ पर हवन की तस्वीरें आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हवन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है ताकि उनके जिनके ये समर्थक है इनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत जाए, वो सांसद के तौर पर चुने जाए। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए। तो बिल्कुल जब चुनाव नतीजे आने वाले होते हैं ये तस्वीरें बहुत आम होती है, जब इस तरीके से हवन पूजा पाठ और मंदिरों की तस्वीरें हम देखते हैं तमाम नेताओं का। आपसे बस आनी ही भी शुरू हो जाएंगी जब नेता अपने घर से निकलते हुए अपने घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर मंदिरों में दर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज का दिन देखिए बेहद खास और अहम है तमाम उन नेताओं के लिए जिन्होंने जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। और आपको ये भी बता दें कि आपसे कुछ ही देर में जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य रखा था, उसको लेकर लगातार बीजेपी आश्वस्त भी रही है। पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और इसी नारे को लेकर शुरू से ही विपक्ष सवाल उठाता रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान अगर सही साबित होते हैं तो एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा
कि मोदी बतौर नेता देश की नब्ज और राजनीतिक मिजाज को बेहतर तरीके से समझते हैं। हालांकि अभी बहुत शुरुआती वक्त है, जब नतीजे आएंगे तब हम इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपने गठबंधन को लेकर जिस तरीके से आश्वस्त रहा है कि इस बार एकजुटता कुछ कमाल कर दिखाएगी, जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता है वो कुछ कमाल कर दिखाएगी, वहीं दूसरी तरफ मोदी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है ऋतु, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो जनता है, हम जनता के बीच में गए जिस तरीके से इलेक्शंस के दौरान, तो कहीं ना कहीं दिखा कि जो बदलाव पिछले दिनों कुछ हुए हैं, बड़े फैसले लिए गए, उनको लेकर बहुत लोगों के मन में काफी बदलाव भी देखा गया। जो पहले कहीं और तरफ थे वो इस बार जो जनता ने साफ साफ कहते हुए नजर आए थे। अब बड़ी बात ये है ज्योति कि विपक्ष जहाँ पे देखिए तीन बड़े मुद्दों को हमेशा उठाती रही, 370 ट्रिपल तलाक की हम बात करें, राम मंदिर के मुद्दे की बात करें, तो इन तीन चीजों को करके मोदी सरकार ने यहाँ पे विपक्ष के लिए मुद्दा ही खत्म कर दिया, ये भी एक बड़ी बात रही। और तस्वीरें जैसा कि ज्योति हम दिखा रहे हैं कि लगातार आ रही है, हवन पूजन किया जा रहा है। बीते दिन भी हमने देखा ज्योति शिवराज सिंह चौहान भी सलकनपुर पहुंचे थे, बिजासन माता के दर्शन किए, सीहोर जिले के एक मंदिर भी पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान वहां पर दर्शन करने के लिए। और शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए जो कि विदिशा सीट से इस बार खड़े भी हुए हैं, तो देखिए जो प्रत्याशी है वो भी मंदिरों में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है। और कुछ देर के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी तस्वीर और भी ज्यादा आने लगेंगी, जैसा कि आप कह रही थी कि आम तस्वीरें ये होती है। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए, थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे हवन पूजन यहाँ पर किया जा रहा है, और अब ये तस्वीरें देखिए मतगणना स्थल के जहाँ के ठीक बाहर अब हलचल तेज हो रही है वो